आपको भी डब्बा चाहिए? अब बोलिए मटन कैसा बना है? बहुत टेस्टी है। बहुत का मटन ज्यादा दिख रहा है सब जगह। मेरे में कम है। इधर भी खा गए। हाँ इधर काटा ज्यादा है, पूरा खा गए जल्दी से। भात बचल है, मटन खत्म। काटा से दिख रहा है। खाने वाले लोग हैं हम। इधर हजमोला का पैकेट पूरा है, सब खाना खा के हजमोला खाएंगे सब। लास्ट में हजमोला भी बांटना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, दुर्गा पूजा ख़त्म हो चुके हैं और नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो हमारे यहाँ मटन चावल बना और सभी लोग मटन चावल खा के, और जितने भी गेस्ट आए थे वो सभी लोग अपने अपने घर चले गए, और हम लोग भी आसाम के लिए ट्रेन बैठ चुके हैं। तो देखिए ये रास्ते का नज़ारा है, कितना अच्छा व्यू है। तो मैं रिकॉर्ड कर ली आप लोगों के लिए। तो गाइस देखिए, ट्रेन में बैठी हूँ और बातों बातों में पहुँच गई हूँ आसाम। तो देखिए सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं पहुँच चुकी हूँ आसाम, और बहन भी आई है साथ में, भैया भी हैं, भाभी हैं, मेरा बाबू रौनकू भी है, और छुटकू है, मम्मी आई है, फूआ आई है। तो देखिए हमारे यहाँ सभी लोग आए हैं आसाम, सबको लेकर आई हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग आए हैं। तो गाइस सुबह चुके हम लोग और सामान के पास पहुँचे हुए हैं, और जैसे कि बता दें तो संतोष जी बाबू का पापा ऑटो करने के लिए प्लेटफॉर्म से बाहर गए हैं, और इधर बच्चे जो हैं मस्ती कर रहे मामों के साथ, मौसी के साथ, सृजल और छोटू, पूरा मस्ती चल रहा है इन लोगों का मामों के साथ। तो दोस्तों, गोवा से 5 महीने बाद आई हूँ आसाम, बहुत दिन हो गया है। तो आई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा जो आसाम का बोगाई गाँव स्टेशन है, यहाँ उतरी हूँ। तो गाइस स्टेशन से बस 10 मिनट का रास्ता है मेरा क्वार्टर, तो नया वाला क्वार्टर में आ गई हूँ। और मेरा रौनक बाबू है, नहा धो के एकदम अच्छे से आराम कर रहा है मेरा बच्चा। तो गाइस देखिए, और ये है मेरा नया वाला क्वार्टर, 2 टाइप क्वार्टर है ये। और मेरी जो बहन है नेहा, वो आकर पूरा पेंटिंग वगैरह चालू कर दी है, क्योंकि उसको पेंटिंग का बहुत शौक है, ड्राइंग वगैरह बनाने का। तो देखिए कितना अच्छा अच्छा सर पेंटिंग कर रही है। और गाइस हम लोग जो है नहा धोकर पूरा तैयार हो गए, और हमारे घर में आज सत्यनारायण पूजा है, तो मैं तैयार हो गई हूँ, बिल्कुल दुल्हन जैसा बन गई हूँ। तो अभी चलते हैं पूजा पे बैठने के लिए। तो देखिए पंडित जी आ गए हैं, और संतोष जी बैठे हुए हैं, और सृजल बाबू भी बीच में बैठ गई है, उसको भी बहुत शौक है पूजा का। मंगलम पुंडिकाक्षाय मंगलाय तनो हरि जस्य कामा कृत कामा सर्वदेवस्य। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडिकाक्षाय मंगलाय तनो हरिः। गगन जी आइए, तो गाइस ये है मेरा मेन गेट नया क्वार्टर का। तो देखिए यहाँ पे अंदर जाते हैं, और ये है फर्स्ट वाला रूम, गेस्ट रूम जो होता है ये वाला है। और यहाँ पे रवि जी बैठे हुए हैं, आप लोग को एक झलक दिखे होंगे। और ये रहा हमारा हॉल, जो सोफा वगैरह रखा हुआ है, और फिर इधर साइड में बेडरूम है। देवता,
तो दोस्तों यहाँ पे जो है कथा हो चुका है, पूजा हमारी जो सात अध्याय का कथा होता है पूरा हो चुका है। तो अब हवन का तैयारी हो रहा है, तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। नवग्रह लकड़ी घी छोड़िए, नवग्रह लकड़ी इस तरह से देना है, यहाँ यहाँ आवाहन में इस तरह से देना है। इबला पहले दीजिए हाथ पर। सर्वे ग्रह शांति निवारम दोषो सनातन सर्वे भवन्तु स्वाहा स्वरूपाय सर्व भेदमा सुमैनमा बाधारिष्टम भेदमा स्वाहा मंगले भानु शशि सर्वदेवे नमः स्वाहा इदम बुधारस्ते सर्वे नमः स्वाहा बृहस्पति देव दूसरा मुट्ठी इसमें निकाल दो। हाँ इस तरह से ले लीजिए सब। गणनंदा गणपति गंगवामहे निधिनंदा निधिपति गंगवामहे वसवहम जानी निकृतम महा स्वाहा। स्वाहा बोल के देना है मुख से। स्वाहा स्वाहा इदम दिव्ये नमः स्वाहा 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 प्रजापते नमः स्वाहा इदम प्रजापते नमः स्वाहा इदम दिव्ये नमः स्वाहा इदम दिव्ये नमः स्वाहा इदम दिव्ये नमः स्वाहा प्रजानाम सर्वे नमः स्वाहा सर्वे स्वाहा 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 इदम दिव्ये नमः स्वाहा स्वरूपा भे नमः स्वाहा स्वरूपे भे नमः स्वाहा इदम दिव्ये नमः स्वाहा स्वरूपा भे नमः स्वाहा इदम दिव्ये भे नमः स्वाहा स्वरूपा भे नमः स्वाहा गच्छा तिष्ठ भे नमः स्वाहा सर्वे भवन्तु भे नमः स्वाहा स्वरूपा भे नमः स्वाहा इदम नारा भे नमः स्वाहा स्वरूपा भे नमः स्वाहा सर्वे संतुष्टि भे नमः स्वाहा सर्वे दिव्ये नमः स्वाहा सर्वे ब्राह्मणा देवे भे नमः स्वाहा स्वरूपा भे नमः स्वाहा इदम नारा भे नमः स्वाहा स्वरूपा भे नमः स्वाहा सभी दर्शनम सर्व भे नमः स्वाहा। चलिए चलिए जी थारी रखिए, किसको लीजिए नहीं रखो ना भी थारी वाली उनको दीजिए। कोला है जी कोला तो दोस्तों सुबह 10 बजे हमारे यहाँ सत्यनारायण पूजा होगी और अभी शाम को शिव चर्चा करा रहे हैं, तो आप लोग भी शिव गुरु का भजन सुनिए।
दोस्तों टाइम हो रहा है 9 और शिव चर्चा भी अभी समाप्त हो गया है और सब लोग प्रसाद खा रहे हैं और बहुत सारे लोग आए थे शिव चर्चा में। सभी लोग प्रसाद खा के और अपने अपने घर चले गए। तो अभी जो है हम लोग खाना खा रहे हैं दोस्तों, दाल चावल और सब्जी बना है। तो अभी हम लोग सब नया क्वार्टर में खाना खा रहे हैं और ये ब्लॉग जो है यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरा ये आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल का हिस्सा बन जाइएगा। मिलते हैं एक नया ब्लॉग के साथ और अच्छे अच्छे ब्लॉग के साथ। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू।